बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। मैं हूं वकार खान और आप देख रहे हैं वकार खान पेंट वर्कशॉप यूट्यूब चैनल। हालिया कुछ दिनों में आपने देखा होगा कि बारिशें हो रही थी, तो बारिशों से रिलेटेड एक अहम इंफॉर्मेशन आप लोगों को देनी थी, तो सारी इंफॉर्मेशन इस वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करूंगा और आपसे गुजारिश करूंगा, अगर आप चाहें चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, बेल आइकन भी ज़रूर साथ प्रेस कर लें। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। आज का जो हमारा टॉपिक है कि अगर हमारे वाइपर बारिश के दौरान फंस फंस कर शीशे पर चल रहे हों और शीशे पर पानी ज़्यादा खड़ा हो तो उसके लिए क्या करना चाहिए, या अंदर की तरफ से शीशे को अगर भाप पड़ रही हो तो उसके लिए क्या करना चाहिए। तो जनाब, अगर अंदर की तरफ से शीशे पर भाप पड़ रही है तो उसमें आप कपड़े का इस्तेमाल करेंगे तो शीशा अंदर की तरफ से कपड़े के साथ कभी भी खुश्क नहीं होगा। तो उसके लिए आपको चाहिए कि आपकी गाड़ी में अखबार के 2 से 3 पीस पड़े हों जो कि आप अंदर की तरफ से इस्तेमाल करें, तो उससे जो अंदर की तरफ से शीशे के ऊपर भाप होगी वो बहुत ही आसानी के साथ साफ और खुश्क हो जाएगी। तो आपके पास बारिश के दौरान 2 से 3 पीस अखबार के पड़े होने चाहिए। बहरहाल अगर बाहर की तरफ से बात की जाए कि वाइपर नहीं चल रहे या वाइपर फंस फंस कर चल रहे हैं, तो उसके लिए आपको एक आलू लेना चाहिए। उस आलू को किसी चाकू या छुरी के ज़रिए से सेंटर में 2 पीस करें और 1 पीस आप अपने फ्रंट का शीशा जो है उसके ऊपर आप लगा दें। फ्रंट स्क्रीन के ऊपर 1 आलू का जो साइड आपने काटी होगी वही काटी हुई साइड पूरी शीशे के ऊपर लगा दें, तो उससे आपके वाइपर भी बहुत आसानी से और स्मूथली चलेंगे। दूसरा, आपके शीशे के ऊपर पानी भी नहीं खड़ा होगा, तो इससे आपकी बहुत ही ज़्यादा बचत हो सकती है। तो आपके पास 2 से 3 पीस अखबार के होने चाहिए। और दूसरा, अगर आपके वाइपरों में कोई मसला पड़ रहा है और आपके शीशे पर पानी खड़ा होता है तो उसके लिए आपको 1 आलू की ज़रूरत होगी। उस आलू को आप शीशे के ऊपर लगा देंगे तो फिर आपके वाइपर आसानी से चलेंगे। दूसरा, आपका जो शीशा है उसके ऊपर पानी नहीं खड़ा होगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आज की इन्फॉर्मेशन आप लोगों के लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होगी। मिलते हैं अगली किसी वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। आपका प्यारा भाई वकार खान और आपका अपना यूट्यूब चैनल वकार खान पेंट वर्कशॉप। अल्लाह निगहबान।